तो ठीक है ऑडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं है तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो पिछली क्लास है उसमें एक क्वेश्चन पे मेरे सामने बहुत सारे डाउट्स आए हैं वो क्वेश्चन जिसको रट्टा मारना था और उस क्वेश्चन में बच्चों का जो मेनली डाउट्स है वो है सर इक्विवेलेंट क्यों नहीं कर रहे हैं और कैसे पता लग रहा है कि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था रिपीटिटिव नेचर का है तो ही हमें इक्विवेलेंट लगाना है तो मैं फिर से बता रहा हूँ मैं कब मना कर रहा हूँ मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमें इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकालना चाहिए था मैं खुद बोल रहा हूँ पर आईसीएआई ने नहीं किया है और आईसीएआई ने उसमें एक नहीं बहुत सारी गलतियां किया है उसे याद ही करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो लगा सकते हो आप उसे इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकाल सकते हो लेकिन नंबर मिलने के चांसेस नहीं इसलिए यार मैं ना अपने कॉन्सेप्ट पे आना ही नहीं चाहता मैं बस इतना चाहता हूं कि भाई आप पास हो जाओ आप भी जानते हो सच्चाई क्या है हम उस मैटर पे बात और उस पर मैं कोई एजेंशन नहीं ले रहा हूं ठीक है ठीक है शुभांशु तो चलो हम एक और क्वेश्चन करने जा रहा है एक ही क्वेश्चन छुटा हुआ है और निशांश शुभ कह रहे सर होमवर्क बाई कॉस्ट एवरी ईयर सेम रहेगा सेम सब डाउट्स ये वाला डाउट्स होमवर्क में होमवर्क एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि होमवर्क में आपके क्या डाउट्स आए हुए होमवर्क जो है उसका मैं डिस्कशन या तो क्लास के बाद कर लूंगा या तो मुझे पर्सनली एक बार मैं देख लेता हूँ उसको उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है इजी होमवर्क है पर उसमें भी डाउट्स आ रहे हैं तो पक्का पक्का उसको मैं एक बार देख लेता हाँ जी होमवर्क के विषय में मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ होमवर्क के विषय में मैं कल बात करूंगा उसमें लर्न करना है कि नहीं करना है ठीक है होमवर्क के मैटर पर मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ मुझे थोड़ा सा हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद जो भी होमवर्क है जो भी डाउट्स आ रहा है मैं डिस्कस कर लूंगा ठीक है होमवर्क जो है मान लो वो होमवर्क है ही नहीं मैं कल डिस्कशन कर लूंगा अगर लगेगा तो मैं वो क्वेश्चन बनवा दूंगा मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आज के लिए ठीक है सर अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जो आपके सीए इंटर में भी था क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स और ये शायद स्टडी मटेरियल में भी है क्वेश्चन नंबर सिक्स टी वाई के ट्वेंटी टू टी वाई के ट्वेंटी टू थैंक यू किशन टी वाई के ठीक है सर तो पिछले जो क्वेश्चन मैं बना रहा था उसमें मुझे किसी ने कहा था सर इसमें लिखवा दीजिए कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो एक्चुअली मैं एज्यूम इसलिए कर रहा था कि मैं जो आई का सॉल्यूशन है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था पर सीरियसली बोल रहा हूँ आप जो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट लेना चाहिए तो हंड्रेड परसेंट लेना चाहिए वो मैं बात कर रहा हूँ कल जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसकी इसलिए मैं उस पर कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ कि मैंने क्या एज्यूम किया अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बार क्वेश्चन रीड करें ठीक है फिर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चन क्या सीए इंटर में भी था यह क्वेश्चन सीए इंटर में भी है आज भी है और आई ने इसका एक सॉल्यूशन नहीं किया इसके दो तीन सॉल्यूशन किया और तीनों की तीनों गलत है मैं पहले ही बता रहा हूं कि यह भी क्वेश्चन मैंने कहा टोटल मिलाकर आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा उसमें से एक क्वेश्चन ये था और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ठीक लिखा ए एन कंपनी रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग मशीन या फिर जो पहले से मशीन है उसका ओवरहॉलिंग करना है मुकुंद अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है बस आ, बच्चों से बातें ही कर रहा था तो ए एन कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग मशीन एक बार रीड करो क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए हाँ जी सर पहले से कोई मशीन है हाँ एग्जिस्टिंग मशीन है तो अब हमें डिसीजन ये लेना है क्या उसको रिप्लेस कर दिया जाए या फिर उसका रिपेयर कर दिया जाए ओवरहोलिंग किया जाए पहला तो ये समझ में है एन कंपनी करेंटली पे नो टैक्सेस बोले टैक्सेस है नहीं है चलो भाई अच्छी बात है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है नाइन्टी थाउजेंड नौ इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है अगर अभी हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो नाइन्टी थाउजेंड की आएगी न्यू मशीन खरीदेंगे तो नब्बे हजार रुपए खर्च होगा एंड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड एट द एंड ऑफ एवरी इयर्स फॉर एट इयर्स तो मशीन जो है वो एट इयर्स चलेगी जो न्यू मशीन है वो आठ साल चलेगी और उसपे मेंटेनेंस का खर्चा कितना है रुपीज टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड पर एन एम एट ईयर एट वुड हैव अ सेल्वेज वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड ये सारी बात किसके लिए हो रही है सर ये सारी बात हो रही है न्यू मशीन के लिए एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इनक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंस नहीं करते हो और अगर आप ओवरऑल भी अगर आप रिप्लेस नहीं करते तो सर खर्च भी आएगा और खर्च जो है ऐसे आएगा बोले अभी प्रेजेंट अभी की अभी बेच दो ओल्ड मशीन को तो फोर्टी थाउजेंड की बिक जाएगी ठीक है लेकिन एक साल होल्ड करते हो तो एक तो मेंटेनेंस का भी लगेगा टेन थाउजेंडे फर्स्ट ईयर में अगर रिप्लेस करोगे तो पच्चीस हजार रुपए में सेल होगा सर अगर सेकंड ईयर में अगर दो साल चलाते हैं ओल्ड मशीन को दो साल चलाते हैं और न्यू मशीन आज नहीं खरीदते दो साल बाद खरीदते हैं तो सर फिर क्या होगा फिर यहां दिख रहा है बीस हजार रुपए मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा और फिफ्टीन थाउजेंड की बिकेगी मतलब सर धीरे धीरे मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है यस yes. बात हो रही है ओल्ड मशीन ठीक है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है फिफ्टीन परसेंट और कंपनी को मशीन रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं और एन्य फैक्टर दे रखा है क्यूमिटी दे रखा है कितने साल का एट ईयर्स का और वन और ईयर का फैक्टर दे रखा अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते और मैं भी वैसे ही करता जैसे आप करते सीधी सी बात है अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करता पहला सिंपल सा क्वेश्चन है मैं अपने हिसाब से कराऊं उस पर नंबर नहीं मिलने वाला क्योंकि तो ये क्वेश्चन आज का नहीं है ये क्वेश्चन क्या आपने पहले किया हुआ है यस या नो में जवाब देना क्या ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है क्या ये क्वेश्चन पहले आपने सीए इंटर में देखा हुआ है कि नहीं देखा यस yes, इंटर में था हाँ जी मैं जानता हूँ सी इंटर में था बड़े आश्चर्य की बात है सी इंटर में जब जब था ये क्वेश्चन अभी भी अगर जा देखा भी है और याद भी नहीं है देखा भी है और तो याद भी नहीं है ठीक है अनंत अब यार मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाया जा सकता है लॉजिकली जो आप सोचोगे वो मैं सोचूंगा लॉजिकली और दूसरा या तो फिर आई ने जो किया है वो करेंगे और क्योंकि ये क्वेश्चन आज की बात नहीं है ये क्वेश्चन कई जमाने से है और ऐसे ही सॉल्यूशन है अगर आप मेरे हिसाब से करते हो तो यार आपको नंबर नहीं मिलेगा हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया तो सर ये भी क्वेश्चन क्या याद करना पड़ेगा हाँ जी ये क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा चलो स्टार्ट करेगी क्वेश्चन यस सबसे पहला काम मैं पहले ही बोल चुका हूँ कोई हाँ जी सबसे पहला काम बेटे क्वेश्चन हमको कोर्स खत्म करना है सबसे पहला काम हम जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे करते जाना सबसे पहला काम न्यू मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो निकाल लेते ठीक है सर न्यू मशीन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है तो अब मेरे साथ साथ मुझे बताते जाओगे सबसे पहले मैं न्यू मशीन का कॉस्ट करूँ इसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते न्यू मशीन आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि एग्जिस्टिंग मशीन है सिर्फ न्यू मशीन से रिलेटेड कॉस्ट बता दीजिए सर न्यू मशीन अगर हम खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट है नाइनटी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीज नाइनटी थाउजेंड ठीक है किशन आगे चले इसके अलावा और किस चीज का खर्चा है सर हर साल न्यू मशीन में मेंटेनेंस का खर्चा है दस हजार रुपए पर एन लिखा है तो यार कितने साल खर्च आएगा ये सर हर साल आएगा आठ साल तक आएगा तो क्या हम इसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं यस टेन थाउजेंड पर एन एम है मैं तो टोटल आठ साल का कॉस्ट निकाल रहा हूं निकल सकता है यस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट रुपीज टेन थाउजेंड अब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कितना दिया फोर पॉइंट फोर एट सेवन थ्री कितना आ रहा है फोर फोर एट सेवन थ्री ठीक है निश्चिता इस क्वेश्चन को यार सर क्या ये इम्पोर्टेंट है हाँ जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा बोला जो इंपॉर्टेंट है मतलब सर सोच समझ के करना ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है सी इंटर में भी बैंड बजाया है बच्चों की यहां भी दिक्कत होगी इसलिए ध्यान से करना उद्दो गुड इवनिंग बस यही क्वेश्चन कर रहा है अभी हम हमसे बात कर रहे थे बच्चों के साथ माइनस मैं कह रहा हूं कि न्यू मशीन की मुझे कॉस्ट निकालना है और न्यू मशीन की कॉस्ट है नाइनटी थाउजेंड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया ठीक है सर अब क्या होगा सर अब ओल्ड मशीन सॉरी न्यू मशीन एट ईयर में सेलवेज भी तो आएगा सर यस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलवेज पीस टेन थाउजेंड और फैक्टर बोलो फैक्टर 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 सर पॉइंट थ्री टू सिक्स नाइन तो ये माइनस हो जाएगा थ्री टू सिक्स नाइन खुश चलो ठीक है जी ओके गलती हो गई गलती हो गई जान ले लोगे क्या मान से सिक्स फाइव थ्री एट मैं तो चेक कर रहा था एक्टिव हो कि नहीं हूं बताओ कॉस्ट कितना आया वन टू एट थ्री थ्री फाइव ठीक है अगर हम न्यू मशीन खरीदते हैं तो टोटल मिलाकर कॉस्ट क्योंकि कैश इनफ्लो के विषय में बताया नहीं है तो टोटल मिलाकर कॉस्ट आ रहा है वन टू एट थ्री थ्री फाइव क्या आप मुझे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल सकते हो सर क्यों निकाल रहे हैं भाई निकाल दो एक बार मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हमको याद इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट सर ये कितने साल का कॉस्ट है आठ साल का है तो हर साल का कॉस्ट निकल सकता है क्या या हर साल का कैसा ऑप्टो निकल सकता है कि इक्विवेलेंट निकल सकता है सर इक्विवेलेंट कॉस्ट वन टू एट थ्री फाइव डिवाइडेड ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड आ गया फोर फोर पॉइंट एट सेवन थ्री ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड कोई बात नहीं आंसर वैसे भी हम इस क्वेश्चन को रटने ही वाले हैं ट्वेंटी कोई समस्या नहीं है yes. अब यार मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिसीजन क्या लेना एक्चुअल में डिसीजन क्या लेना है सर डिसीजन ये लेना है सुनना डिसीजन ये लेना है हमें आज रिप्लेस कर देना चाहिए या हमें एक साल बाद रिप्लेस करना चाहिए या हमें दो साल बाद रिप्लेस करना चाहिए या तो हमें तीन साल बाद रिप्लेस करना चाहिए या तो हमें चार साल बाद रिप्लेस करना चाहिए और उसके बाद तो मशीन ही खत्म हो गई उसके बाद क्या रिप्लेस करो डिसीजन यही है और कुछ नहीं है आज या एक साल बाद या दो साल बाद या तीन साल बाद या चार साल बाद तो हिम्मत दिखाए याद है वो टेबल एक साल में रिप्लेस करना चाहिए कि दो साल में याद है वो कल जो टेबल किया था हाँ सर सबका इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकालेंगे वो बाद में समझेंगे हम लोग कि वो कैसे होगा बिल्कुल सही बोल रहे हो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकालना चाहिए सीधी सी बात है पर मैं अभी 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 अभी, अभी टेबल के विषय में सोच रहा हूँ कि यार टेबल बनेगी तो कैसे बनेगी सर टेबल ऐसे बनेगी रिप्लेस टुडे रिप्लेस इन वन ईयर रिप्लेस इन टू ईयर रिप्लेस इन थ्री ईयर रिप्लेस इन फोर ईयर याद है ना वो टेबल तो चलो हिम्मत दिखाते हैं कॉपी में जगह नहीं होगी तो मैनेज करना पड़ेगा टेबल बना रहे हैं हम बिना टेबल के नहीं होना बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा देखो क्या क्या आएगा पहले देख लेते हैं हाँ फेस पेज लेना पड़ेगा इसके लिए कॉपी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी आ, पहले पहले सोच लेते सोच लेते सोच लेते एक तो आ जाएगा यार वर्टिकल में बनाओ एक तो सर एक तो वो आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर ठीक है वैसे वैसे उसमें कुछ लिखते नहीं हम लोग ईयर और प्रेजेंट वाली फैक्टर ईयर और प्रेजेंट वाली फैक्टर तो आएगा आएगा ये रिप्लेस नाउ नाउ वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर अब सर बहुत टेंशन है Replace in fourth year. एक कॉलम दो तीन एक दो तीन Four year, three year, two year, in one year. और रिप्लेस नाउ जगह ही नहीं बची मैनेज करता हूं मैं और सर प्रेजेंट वैल्यू और सर जीरो जीरो हटा निकाल ले क्या निश्चित का कहना है सर जीरो से बहुत दिक्कत है एक तो जगह नहीं ऊपर से जीरो और लगाएंगे हाँ निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है हमको फिफ्टीन परसेंट के भाई आपको दो पेज में मेंटेन करना है कि एक पेज में मेंटेन करना है, आप देख लेना आप कुछ बच्चों का कहना है, सर पहले रिप्लेस नाउ और वन ईयर कर लेते फिर टू ईयर थ्री ईयर कर लेते अलग अलग भी तो कर सकते कर सकते हो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो रजिस्टर है वो बहुत बड़ा रजिस्टर है जिसमें सब कुछ आ जाएगा ठीक है रिप्लेस नाउ Replace in one year, replace in two years, replace in three years, or replace in four years. Amount present value. अमाउंट प्रजेंटाउंट प्रेजेंट बेज अमाउंट प्रेजेंट वे अमाउंट और प्रेजेंट वे यहां तक डिजाइन बन चुकी है सबकी बना लो आराम से टाइम ही टाइम ठीक अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना वो आपको बात सहन नहीं होने वाली है <laughs> पर सुनो 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 अगर मैं होता तो मैं क्या करता पहले मैं वो बात कर अगर मैं होता तो मैं लिखता कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हाँ कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन सर एग्ज़ाम में वर्टिकल कॉपी चेक होगी ना हाँ जी होगी आपने बनाया मेहनत किया आप ये मत सोचिए कि आई बिल्कुल जालिम है चेक होता है आपने जो भी लिखा सब चेक होता है तो सुनो 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 भाई मुद्दे की बात करें कॉपी तो हो गया हम मुद्दे की बात करते इस क्वेश्चन में एक घंटा नहीं लगाएंगे मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं लिखता कॉस्ट ऑफ मशीन अगर आज कितना तो आज अगर मशीन खरीदता हूं तो मशीन मेरी न्यू मशीन खरीदता हूं तो कितने साल चलेगी आठ साल और ओल्ड मशीन को आज ही बेच देता बिल्कुल ध्यान से समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं क्या करता मैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन दिखता आज अगर आज खरीदता तो आज पैसा जाता कितना पैसा जाता सर आज खरीदते आप तो नाइन नाइनटी ठीक है आज खरीदता तो आज जाता नाइनटी आज ही बेच देता फिर मेरा कभी भी ओल्ड मशीन से रिलेटेड कुछ नहीं होता कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता बस न्यू मशीन का जो भी खर्चा है वो एक्स एड कर देता मतलब यार टोटल मिलाकर आज मशीन खरीदता तो आठ साल चलती अगर मैं आज रिप्लेस नहीं करता मैं एक साल बाद रिप्लेस करता तो क्या होता तो जो मशीन में खरीदता कब एक साल बाद तो एक साल बाद का कॉस्ट मतलब जो भी नाइनटी थाउजेंड उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्ट्री लेता फर्स्ट ईयर में खरीद रहा हूं हाँ सर और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लेकिन अब ओल्ड मशीन का जो मेंटेनेंस का खर्चा वो भी यहां ऐड होता अब खुद सोचिए आप भी ऐसा ही करते मुझे ऐसा लगता पर्सनली आप भी ऐसा ही करते अब मैं यहां लिख रहा हूं क्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एट ऑफ equivalent एनुअल कॉस्ट हाँ ओल्ड मशीन को तो सर आज अगर आज रिप्लेस कर देता तो आज बेच देता बिल्कुल सही मैं कहता हूं अगर मैं एक साल बाद रिप्लेस करता तो तो फिर उसका जो ओल्ड मशीन का मैं ओल्ड मशीन चलाता ना यार एक साल तो उसका मेंटेनेंस तो आता ही आता अभी अभी हम मुद्दे के मैं क्या करवाता वो बाद में करेंगे पहले वो कर ले कि आईसीएआई ने क्या किया मैं कह रहा हूं कि अगर हम न्यू मशीन खरीदते तो उसका एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा निकाला है आपने कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बताओ कितना है न्यू मशीन खरीदने से इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एनुअल कॉस्ट निकाला है आपने इतना आया था यार एनुअल कॉस्ट कहीं ना कहीं निकाला था आपने निकाला ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड लिख लिया हूँ ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद करवानी है तो धीरे ही करवाना पड़ेगा ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड मैं एक मिनट के लिए आपसे कुछ एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ प्लीज़ आप कर लीजिएगा मैं कह रहा हूं कि जो मशीन खरीद रहा हूं एक्चुअल में उसकी कॉस्ट ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ही है। आज खरीदूंगा तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड है एक साल बाद खरीदूंगा तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड है दो साल बाद खरीदूंगा तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड है बस मैं इतना बोल रहा हूं और प्लीज थोड़े समय के लिए मान लीजिए फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आज अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो उसका एनुअल कॉस्ट है ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड मैं कह रहा हूं कि इसको कॉस्ट ही मान लो ना यार उसका कॉस्ट कितना है ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ठीक है और सर नहीं माने तो ऑप्शन भी नहीं है आप लोगों के पास ना मेरे पास ऑप्शन है ट्वेंटी इसका कॉस्ट है ट्वेंटी एट सिक्स क्या हमारे पास ओल्ड मशीन पहले से है यस अगर मैं आज इसको खरीदता हूं तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड हाँ तो ओल्ड मशीन को बेचूंगा ना भाई तो बेचने के बाद मेरा नेट कॉस्ट कितना पड़ा बस इतना मैं सुनना चाहता हूं मैं क्या कह रहा हूं का आप समझ जाओ ये न्यू मशीन की कॉस्ट है ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड और ये ओल्ड मशीन है आज बेचोगे तो फोर्टी थाउजेंड की बिक जाएगी क्या मुझे नेट बताओगे कितना आएगा ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड आज अगर सर इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड इधर गया कुछ हाँ सर आज अगर आप न्यू मशीन खरीदते हैं तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ही मान लो ना यार ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड माइनस करो सेलवेज सेलवेज माइनस करोगे फोर्टी थाउजेंड आज ही तो बेच रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू का चक्कर ही नहीं है अच्छा सर तो मैं बस यहां कह रहा हूँ कि इक्वेलेंट एनुअल आज की बात करो आज को मैं जीरो बोल सकता हूं यस और जीरो को वन और यहां कितना आया आपका एलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है मुझे बस इतना बताओ इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस कैश आउटफ्लो की इनफ्लो माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस या माइनस आउटफ्लो है की इनफ्लो में, में होगा तो हम ब्रैकेट लगा देंगे inflow होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इलेवन थाउजेंड इनफ्लो है इनफ्लो है तो प्लस में लिखेंगे आउटफ्लो है तो माइनस में लिखेंगे अक्षय अभी भी सोच लो यार हो क्या रहा है सर आज पैसा जाएगा ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड आज पैसा जाएगा ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ठीक है और जब ओल्ड मशीन है उसको बेचोगे तो कितने का बिकेगा फोर्टी थाउजेंड तो सर इनफ्लो है इनफ्लो है तो हम प्लस में लिखेंगे और यहां प्लस में कितना लिखेंगे इलेवन थाउजेंड और उसका प्रेजेंट वैल्यू बाकी डेस दूसरा क्वेश्चन अगर हम आज रिप्लेस नहीं करते हम एक साल बाद रिप्लेस करते तो सर जीरो पॉइंट फैक्टर क्या फर्स्ट ईयर का फैक्टर बताओगे ठीक 1 1 .1 1 है सर अगर हम एक साल बाद रिप्लेस करते एक साल बाद हाँ पॉइंट एट सेवन जीरो ले लिया मैंने बिल्कुल सेट सेवन जीरो ठीक है फिर से बोल रहा हूँ सर, अगर हम एक साल बाद रिप्लेस करते तो फिर कॉस्ट ऑफ मशीन कितना होता ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड उतने की है एनुअल कॉस्ट है ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड जाता लेकिन अगर मैं दो साल सर मेंटेनेंस का भी तो आएगा वो बाद में लिखूंगा एक एक चीज लिखूंगा धीरे धीरे लिखूंगा हाँ सर और सर दो साल बाद अगर फर्स्ट ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में अगर हम मशीन बेचते तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की बिकती यस yes. तो नेट में क्या होता ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड जाता सर और सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ जाता तो मानसी थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस तो चलो ठीक है यहां लिखा मैंने थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस और उसका प्रेजेंट वैल्यू करो थर्टी सिक्स हंड्रेड इन टू पॉइंट एट सेवन थ्री वन थ्री टू थर्टी सिक्स हंड्रेड 182. अगर हम दो साल बाद रिप्लेस करते वन साल वन पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव सिक्स अब तो नेट बता सकते हो आपसे जीरो पॉइंट सेवन फाइव सिक्स मैं तीन डिजिट में ले रहा हूं निश्चित आप चार में भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं जगह कम है वैसे आप ही ने तो कहा था सर जगह कम है आप तो जीरो भी नहीं लेने वाले थे जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो सेकेंड ईयर का बोलो सेकेंड ईयर में नेट थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस कैसे आया पता है ना यार हाँ सर अब पता क्या रट्टा ही तो मार रहा है सर तो ऐसे मारते थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू पॉइंट सेवन फाइव सिक्स तो सर ये आ जाता वन जीरो टू एट टू ले रहा अगर हम थर्ड ईयर में रिप्लेस करते तो so, जीरो पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव एट है क्या सॉरी ही वेजन थी फाइव सेवन फाइव वन है एट ले लू जैसे आप बोलो एट ले ली एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्रीति का आंसर है और नो डाउट कि माइनस में ही आएगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पॉइंट सिक्स फाइव एट तो सर ये आ गया वन टू टू नाइन हाँ निशिता सही मैं मजाक कर रहा था आप सीरियसली ले रहे हो चार डिजिट में ही लेना चाहिए पर मेरे पास जगह कम है तो मैंने तीन लिया सर आपको मालूम है आपने सॉल्यूशन देखा उसने भी तीन ही लिया है ऐसा कुछ नहीं वन डिवाइड वन पॉइंट वन, वन फाइव एक दो तीन चार जीरो पॉइंट फाइव सेवन आंसर जीरो पॉइंट फाइव सेवन टू अगर मैं चार साल बाद रिप्लेस करूंगा तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड तो जाएगा अक्षय वन सिक्स थ्री फाइव नाइन ये वाला क्या ये गलत हो गया क्या एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू पॉइंट सिक्स फाइव एट नहीं सही तो है अच्छा ये वाला बता रहे हैं सर ये तो ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ही है और ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड इंट टू पॉइंट फाइव सेवन वनस ये वाला बता रहे थे वन सिक्स थ्री फाइव नाइन वन सिक्स थ्री फाइव नाइन ठीक है ये तो हो गया अब बचा भाई सिर्फ ये कि ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस कब होगा कब होगा ये कल बैट, इस मैटर पे बात हो चुकी थी आज रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा इट मीन मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट और ऐड करना है बस फर्स्ट ईयर में होगा पॉइंट एट सेवन जीरो ड्यूरिंग द ईयर होगा किशन बिल्कुल सही है निशिता आपका भी कहना सही है ड्यूरिंग द ईयर होगा अब क्वेश्चन ये आज ही रिप्लेस कर दूं तो ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा अगर मैं मशीन आज ही बेच देता हूं आज ही बेच दिया तो ओल्ड मशीन को मैं मेंटेनेंस करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा सर आज ही बेच दिया तो क्यों करवाओगे प्रीति सही है एट सेवन डबल जीरो पर मैं कह रहा हूं कि यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां आएगा कि यहां आएगा, कि यहां आएगा, कि यहां आएगा बस ये डिसाइड करना है हमको सर यहाँ तो नहीं आएगा पक्का ठीक है सर फर्स्ट ईयर में अगर रिप्लेस तो फिर तो आएगा सर और क्योंकि हम ब्रैकेट लगा रहे हैं पैसा जा रहा है तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे तो सर एटी सेवन एट सेवन डबल जीरो अगर दो साल बाद रिप्लेस करूं तो कुछ भी कर लो ना सर फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस तो करवाओगे यस तो दस हजार एट से वन डबल दस हजार एट सेवन डबल इन भी तो मेंटेनेंस है इट मींस अगर मशीन को आप और रोकते हो तो और बर्बाद हो जाओगे देखिए हाँ और बीस हजार रुपए का खर्चा फैक्टर क्या है फैक्टर तो ये? दो साल बाद रिप्लेस करूंगा तो यहां तो नहीं आएगा नहीं सर सेकेंड ईयर के एंड में तो आएगा मेंटेनेंस का यस कितना रुपए है सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस सर ये ट्वेंटी थाउजेंड वन फाइव वन टू जीरो सर थर्ड ईयर में मेंटेनेंस होगा यस yes. आज रिप्लेस करूंगा तो नहीं होगा एक साल भी बाद रिप्लेस करूंगा तो नहीं होगा दो साल में रिप्लेस करूंगा तो क्यों मेंटेनेंस करवाऊंगा तीसरे साल चलाऊंगा तो भाई मेंटेनेंस तो करवाना ही पड़ेगा और ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा थर्टी थाउजेंड वन नाइन सेवन फोर जीरो फोर्थ ईयर पॉइंट फाइव सेवन टू यहाँ कहीं भी नहीं आएगा फोर्टी थाउजेंड चार साल तक रखोगे तो फिर मेंटेनेंस आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड और सुबहशु सु टू टू डबल एट जीरो ठीक है निशी टू टू डबल एट अब क्या करना है सर अब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल कि हमारा कितना जा रहा आज रिप्लेस कर रहे तो कितना जा रहा एक साल बाद कितना जा रहा दो साल बाद कितना जा रहा तीन साल बाद कितना जा रहा इस सब को टोटल मार ले। आज रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव है ग्यारह हजार चार सौ इसका प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेते हैं टी वन थ्री टू प्लस एट सेवन डबल जीरो हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंडन जीरो टू एट टू एट सेवन डबल जीरो प्लस वन फाइव वन टू जीरो टू One two two three nine plus eight seven double zero plus one five one two zero plus one nine seven four zero five five one nine nine negative one six three five nine plus eight seven double zero plus one five one two zero one six three five nine plus eight फाइव वन प्लस वन नाइन सिक्स फोर जीरो एट का बनना ठीक है और सर ये क्या बेवकूफ़ी है यार आप क्या समझ रहे हो आज रिप्लेस करोगे भाई ये तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते ही जा रहा है जब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा और सैलवेज आप खुद सोचो ना यार तो सर ये तो कोई भी बता देगा ये इसके लिए ये इस लंबा सा टेबल बनाने की क्या जरूरत है अगर ऐसे डिसीजन होना होता तो यही दे देते कि यार एक साल बाद एक सुनना ध्यान से अभी रिप्लेस करोगे तो फायदा है एक साल बाद रिप्लेस करोगे तो सर मेंटेनेंस भी लगेगा और ये भी लगेगा सेल्वेज uh, भी कम हो जाएगा फिर मैं भी बढ़ेगा सेल्वेज भी कम हो जाएगा फिर मैं तो चार साल बाद रिप्लेस करने का मतलब ही नहीं है हमें कब रिप्लेस करना है हमें तो आज ही रिप्लेस कर देना चाहिए बच्चों का कहना सर इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीयू क्यों नहीं निकलेगा निकालना चाहिए क्योंकि ये कैश फ्लो है एक साल का ये कैश फ्लो है दो साल का निकाल भी लोगे वैसे तो मैं निकालूंगा ही नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी नहीं अगर निकाल भी लेते क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने गलत किया मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ मैं मजबूर हूँ और कभी कभी टीचर बहुत मैं पढ़ाने जब आप ये क्वेश्चन करवा रहा था ना यार तो मैं मुझे जब क्लास आ रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चों को कैसे बताऊं क्योंकि ये रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है पहले मैं करता था मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपनी पहले मैं बोलता था आईसीआई का गलत है काटो इसे मेरे हिसाब से चलो बच्चे मेरे हिसाब से चले नीरज बस बात हमें क्या हमेशा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ निकालना चाहिए मैं कह रहा हूं यस निकालना पड़ेगा आपको हमेशा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ निकालना है अगर लाइफ अलग अलग है तो लेकिन यहां की मैं बात कर रहा हूं मैंने कहा टोटल मिलाकर दो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन है जो कल करवाया था मैंने कल ही बोल दिया था कि कल मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको तो बहुत ढंग से याद करना पड़े हाँ बात यह है मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं सर अगर हम इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये पॉजिटिव और सभी के सभी नेगेटिव है ये सब नेगेटिव है ना यार तो मतलब ही नहीं बनता अगर इक्विवेलेंट निकाल भी लोगे तो सब की सब नेगेटिव आएगा और ये तो पॉजिटिव ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इक्विवेलेंट एनुअल पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैंने तरीका ही गलत है मेरे करवाने का पर मैंने आईसीए को फॉलो किया दैट्स इट तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बस मैं ये कह रहा हूं कि मैं होता क्या था मैं बता दूं अपनी बात डिस्कस कर लूं पहले अपने आपके साथ तो कर ही सकता हाँ अंश इसलिए तो मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं कर पड़ता अगर आप लेट भी आए हो हाँ, तो हाँ पहले मेरी बात सुनो आ, पहले मैं ये क्या करता था कि मैं कहता था काटो इससे मेरे हिसाब से चलो मैं जो बता रहा हूँ वो लॉजिकल है और वो कौन और बच्चों को भी मजा आता था सर वह क्या समझाया मजे वजे लेने के लिए नहीं यानी हमें तो और कॉन्सेप्ट ठीक है हमें पास होना है यार तो सर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं याद करना है मैं तो कुछ नहीं कर सकता ठीक है पैतालीस मिनट जो क्वेश्चन सर याद ही करना था उस पर फोर्टी फाइव मिनट्स क्यों बर्बाद करवा दिया आपने सॉरी चलो हो गया मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाँ बिल्कुल सही चार्ट चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर ले रिप्लेसमेंट हमारा खत्म हुआ रिप्लेसमेंट खत्म ठीक है सर रिप्लेसमेंट खत्म हुआ अब 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 अब, अब, अब रिप्लेसमेंट के दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया कि क्या इश्यू है वो दोनों क्वेश्चन सर हमको याद कैसे रहेंगे मैं ना यार मैं याद रखवाऊंगा ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग रिप्लेसमेंट uh, हमारा खत्म हो चुका है तो सर बचा क्या सिमुलेशन ही तो बचा है ही बचा है पर सिमुलेशन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो हमको करना है और इतने मैंने वो क्वेश्चन जानबूझ के सेलेक्ट किया है क्योंकि जैसे ही आपको करना है बस इतनी सी बात में क्यों आपसे क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन मैंने जो उठाया है वो सुन लो सुन लो पहले क्वेश्चन नंबर वन सर ये क्वेश्चन स्टडी मैट में है क्या स्टडी मैट में नहीं है तो सर फिर लिया क्यों क्योंकि इसके पहले जब कैपिटल बस्टिंग था सी फाइनल में ये वाला क्वेश्चन इतनी बार आया है इतनी बार आया है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कि चलो यार क्योंकि बार बार आया है तो हो सकता है आपको भी ये क्वेश्चन पूछ पूछने तो ये वाला क्वेश्चन एक जो बाहर से लिया है और ये वाला क्वेश्चन नंबर टू ये दोनों क्वेश्चन करने अच्छे क्वेश्चन है तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर वन और यहाँ मुझे आपके नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर करने जाओ तो ठीक है सर रीड करेगी क्वेश्चन यस मैं रीड कर रहा हूँ और अब हम काम कर रहे हैं कॉस्ट तो हट गया है कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है पर हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट कंसिडरिंग परचेसिंग वन ऑफ द टू प्लांट बिलो प्लांट ए और प्लांट बी कॉस्ट दिया है ट्वेंटी लैक्स और इंस्ट अभी मैं नहीं जानता कि क्या मांगेगा हम पढ़ते एक बार क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हाँ सर तो यार प्लांट ए बीस लाख और चार लाख सर टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा इसका कॉस्ट पड़ा है ट्वेंटी फोर और सर इसका देखिए तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा सर इसका कॉस्ट पड़ रहा है फोर्टी लैक्स ठीक है लाइफ दिया है ट्वेंटी इयर्स स्क्रैप वैल्यू फोर लैख फोर लैक्स आउटपुट पर मिनट यूनिट्स 200 यूनिट्स एंड 400 यूनिट्स बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लगेगा हे भगवान क्या ला दिया यार हम तो कैपिटल वेस्टिंग कर रहे थे पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन ला दिया कैपिटल अगर हम प्लांट ए में काम करते हैं प्लांट ए में तो खर्चे वेजे से इनडायरेक्ट है रिपेयर है और ये एनुअल खर्च एनुअल एनम पर एनम एक्सपेंस और अगर मैं प्लांट बी में काम करता हूं तो यह भी पर एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस है विल इट बी एडवांटेजेस फॉर बाय प्लांट ए प्लांट बी और लिखा सबस्टांसिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट मैक अदर रेलिवेंट एज्यूमशन टेन परसेंट इंटरेस्ट का टेबल दे रखा है ट्वेंटी फिफ्टीन ईयर का एन्यूटी दे रखा प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल रिकवरी फैक्टर वी टेन परसेंट इंटरेस्ट और ये सब दे रखा हम्म अब मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ आंसर चाहिए मुझे फटाफट फड़ से आंसर चाहिए बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं इन सबको भूल जाइए इन सबको एक मिनट के लिए भूल जाइए हाँ बिल्कुल सही बोल रहे इजी है।, है पर एक बार मैं समझा दूं उसको बस समझने की कोशिश मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो मान लो जब मैंने प्लांट का कौश निकाला कहीं निकाला था ना यार हमने सुनो ये वाला क्वेश्चन देखा है ना आपका इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं आंसर देना आंसर ये मैं मशीनरी खरीद रहा हूं बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए प्लीज मुझे आपका साथ चाहिए सर ये आपने मशीनरी खरीदा पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं पिछले वाला क्वेश्चन आपको खोलना नहीं है बस उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर ठीक है सर मशीन खरीदा था आपने नाइन्टी का उसका मेंटेनेंस का खर्चा लगा था उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलवेज किया था तो ये आ गया था ये टोटल कॉस्ट कितने साल का आया था सर ये टोटल आठ साल का आया था आया था खर्चा डिवाइडेड बाय आपने पी एफ किया तो ये जो खर्च आया है क्या ये ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड एनुअल एक्सपेंसिस आए बोलो हां हां इसको बोलते एनुअल एक्सपेंसिस ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड ठीक है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये जो खर्च है ये पूरे एक साल का है जी सर और मैं कहता हूँ एक साल में मैं दस हजार यूनिट से बनाता हूँ टेन थाउजेंड यूनिट से बनाता हूं तो बताओ एक यूनिट पर कैपिटल चार्ज कितना एक यूनिट पे कैपिटल चार्ज कितना है कोई बता सकता है ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड कैपिटल चार्ज या फिर मैं ऐसे बोल हूँ एक्सपेंसिज बताइए एक एक यूनिट पर इन सब का ये वाला ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड एक साल का टोटल एक साल में टेन थाउजेंड यूनिट से बना टू पॉइंट एट सिक्स दो रुपया छियासी पैसा बस हो गया क्वेश्चन खत्म ट्वेंटी एट सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड दैट्स इट यही पूछ रहा है उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं तो सर अगर मैं इस प्लांट से कॉस्ट कर रहा हूं तो एक यूनिट का कॉस्ट आ रहा है ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स एट सिक्स और मैं प्लांट बी से काम कर रहा हूं तो एक यूनिट का कॉस्ट आ रहा है थ्री टू पॉइंट एट सिक्स और ये मन से लिखा हूं ये आ रहा थ्री पॉइंट कहता हूं चलो किस में काम करना फायदा है प्रोजेक्ट ए मशीन ए अच्छा है कि मशीन बी इट मशीन ए अच्छा है या मशीन बी अच्छा है ए में कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है टू पॉइंट एट सिक्स और बी में कितना आ रहा है थ्री पॉइंट वन टू तो सर हाँ रुका हूं रुका हूं रुका हूं अभी भी लैग है या फिर अभी कोई बात नहीं निश्चिता अभी भी लैग है या फिर अभी ठीक है एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए नहीं तो मैं फिर उसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से स्टार्ट कर दूंगा कोई इश्यू नहीं मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा हाँ जितने मजे लेना है मजे ले लो प्लीज पहले ये कंफर्म कर दो कि अभी भी लैग हो रहा है या फिर अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है और इतनी चैट्स करते हो जितना हो सकता है करते हैं मुझे लगता है कि अब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था यार थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हो जाए मज़ा आ जाएगा एक घंटा बाकी एक घंटे में बहुत कुछ हो सकता है सर कुछ लोग चले गए हैं कोई बात नहीं वो क्लासेस रिकॉर्डेड देख लेंगे आ, चलो जी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा और मैं मान के चल रहा हूँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लास समझ रहे हो हाँ सर ये हम समझ रहे थे हम ये समझ रहे थे कि सर मशीन खरीदने से जो टोटल कॉस्ट आता है हाँ मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ आप बिल्कुल नहीं समझ लीजिए आपने जितना भी चैट्स किया इधर उधर काश इस क्वेश्चन के विषय में सोचा होता पर वो नहीं सोचोगे बाकी बहुत सारी बातें कर लोगे आप तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 28600 आया था हमारा एनुअल कॉस्ट और मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं साल भर में 10000 हजार यूनिट्स बनाता हूँ 10000 हजार यूनिट्स बनाता हूँ तो बताइए कॉस्ट कितना आएगा और आपने क्या किया था 28600 डिवाइडेड बाय 10000 यूनिट्स किया था तो आया था 2.86 ठीक है सर इट मीन्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि मशीन का जो एनुअल कॉस्ट आया था उस हिसाब से एक पर यूनिट कॉस्ट आया था 2.86 अगर मैं इस मशीन से काम करता हूं तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसी ही और एक मशीन है मशीन बी और उस मन से लिया हूं मशीन बी और उस मशीन से भी ऐसे ही मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाला और उसमें आया 3.12 तो बस मेरा क्वेश्चन है कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी मशीन मुझे खरीदनी चाहिए मशीन ए जिसमें कॉस्ट लग रहा है टू पॉइंट एट सिक्स या फिर मशीन बी जिसमें कॉस्ट आ रहा कॉस्ट पर यूनिट आ रहा थ्री पॉइंट वन टू मुझे कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए मशीन ए सर मशीन ए ही तो खरीदेंगे ना यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हमसे क्यों पूछते हो आओ वही काम करे वही काम कर रहा अब ध्यान से देखो सबसे पहला काम है सबसे पहला काम उसने ये बोला आपको निकालना है कंपेरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट कंपेरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट निकल सकता है यार हाँ सर निकल सकता है और कैसे निकलेगा सबसे पहला मुझे बस इतना बताओ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बीस लाख का कॉस्ट है इंस्टॉलेशन चार्ज है चार लाख और स्क्रैप वैल्यू है चार लाख तो क्या आप मुझे इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल सकते हो हाँ सर पहले एक काम करते हैं ना यार पहले काम क्या करते हैं पहले इसका हमें नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं मशीन ए और मशीन बी का कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज पर यूनिट सर कैपिटल चार्ज पर यूनिट का मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यूनिट है पहले मैं वो निकाल रहा हूं सर वो कैसे निकलेगा बिल्कुल सिंपल है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है दो मशीन है मशीन ए और मशीन बी कॉस्ट कितना कितना कॉस्ट है तो सीधा लिख सकते हैं कि यस सीधा लिख रहा हूं मैं ट्वेंटी फोर लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स कहाँ से आया ये आपको पता है अच्छे से यस सर ट्वेंटी लैक्स प्लस फोर लैक्स और कितना आ रहा है फोर्टी लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स प्लस फोर्टी लैक्स इसके अलावा सर कुछ मेंटेनेंस इधर तो नहीं दिया है कोई बात नहीं ये वाला खर्च तो ये एन है इसको तो हम बाद में ऐड कर लेंगे सबसे पहले मैं क्या करूं ये ये सेलवेज भी तो मिलेगा तो सेलवेज तो माइनस करना पड़ेगा यस yes, पर सेलवेज ये कौन से ईयर में सर ये जो सेलवेज मिलेगा ये ट्वेंटी ईयर बीसवे साल में और ये फिफ्टींथ ईयर तो काम हो सकता है कि यस सेल्वेज अलग अलग देख लेते हैं यहां कर लेता सेलवेज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलवेज कितना माइनस करोगे फोर लैक इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन के साथ में दिया है चेक करो क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन ट्वेंटी ईयर का पॉइंट वन फोर एट सिक्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन दिया है ऐसे ये भी माइनस कर देंगे चार लाख और ये दिया पॉइंट टू थ्री नाइन फोर बताइए कितना आएगा कॉस्ट टोटल कॉस्ट सर ये आ रहा फाइव नाइन फोर फोर जीरो यहां माइनस होगा सर फाइव नाइन फोर फोर जीरो और चार लाख इंटू पॉइंट टू थ्री नाइन फोर यहाँ माइनस होगा नाइन फाइव सेवन सिक्स जीरो बिल्कुल सही माइनस करते हैं ट्वेंटी फोर लैक्स माइनस फाइव नाइन फोर फोर जीरो तो सर ये आ गया टू थ्री फोर जीरो फाइव सिक्स जीरो और सर फोर्टी लैक्स माइनस नाइन फाइव सेवन सिक्स जीरो

कैपिटल चार्ज निकाल रहा हूं एनुअल निकाल रहा हूं पर एनम ठीक है सर डिवाइड बाय करते थे हा कैपिटल रिकवरी पॉइंट वन वन सेवन फाइव और पॉइंट One, three, seven, ना दो हमारे इक्विवेलेंट एनुअल टीवीसी तो नहीं बोल सकते इक्विवेलेंट एनुअल कैपिटल चार्ज लिख सकते कैपिटल चार्ज पर एन एम लिख टू थ्री फोर जीरो फाइव सिक्स जीरो सर ये आ गया टू सेवन फाइव जीरो वन सिक्स थ्री नाइन जीरो फोर टू फोर जीरो एन टू पॉइंट वन थ्री सेवन फाइव सिक्स सर ah, ये न्यू टर्मिनोलॉजी है यही तो यार कहीं पूछ लेगा ना कैपिटल चार्ज पर बताओ तो यही होता है कैपिटल चार्ज पर एन पॉइंट वन थ्री सेवन वन फाइव सॉरी उद्धव का कहना सर मल्टीप्लाई क्यों किया चलो तो बातें पहले ही कर एक मिनट थोड़ा सुनना कोई बताएगा यार ये शब्द क्या है ये क्या चीज है पॉइंट वन वन सेवन फाइव हाँ जी सही है कोई ये बता दे पॉइंट वन वन सेवन फाइव है क्या चीज पॉइंट वन वन सेवन फाइव है क्या चीज़? सुन लो बच्चों सुन लो सुन लो मेरी बात समझने की कोशिश करो पी वी एफ हाँ वन डिवाइडेड बाई पी वी मेरी बात समझ मैं कह रहा हूं कि हम कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एनुअल पी वी सी ओ निकालते कैसे एक्चुअल में सर हम ऐसे निकालते हैं टू थ्री फोर जीरो फाइव सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई पी वी एफ लेते हैं हाँ सर पी वी एफ लेते हैं तो हम कैसे लेते थे वन डिवाइडेड वन जीरो कितने साल का बीस साल का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बीस और जी ठीक तो सर हम यहाँ लेते हैं एट पॉइंट फाइव वन थ्री सिक्स हाँ बोलो बस उसने क्या किया उसने ये वाला दिया है और थोड़ा सा हटा के बोलते ऐसे कर लो ना टू थ्री फोर जीरो समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं दिया, PVAF ही दिया बस वन से डिवाइड कर दिया हम तो इसको ना लेकर पीवीएफ से डिवाइड कर दे तो चल जाएगा कि चल जाएगा ठीक है ठीक है यस आगे बढ़े हाँ सर तो ये तो सर ये मशीनरी का खर्च है हमें तो कॉस्ट हासी प्रोकल हमें तो सर कॉस्ट जो है कॉस्ट वो तो पर यूनिट निकालना है और ये है एनुअल खर्चा एनुअल पर एनम का कैपिटल खर्चा इसके अलावा भी और भी तो खर्च है हाँ क्योंकि अगर हम ये मशीन खरीदेंगे तो हमको ये भी तो एक्सपेंसेस कंसीडर करना पड़ेगा यस और ये भी एक्सपेंसेस तो इन सबको ऐड कर लेते हैं इट मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि अब क्या कहना चाहती हूँ सर मैं इसमें ये वाले भी ऑपरेशनल एक्सपेंसिस भी प्लस कर लेता हूँ ठीक है सर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऐड करके बोल दीजिए सर वन लैख प्लस फोर लैख एटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड प्लस टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड तो सर ये आ गया नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड और सर वन लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस सिक्स लैख प्लस वन लैख प्लस टू लैख एटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड तो सर ये आ गया वन लैख नहीं बारह लाख आ गया सर लैख तो अब बताओ यार पूरे साल भर का टोटल मिलाकर खर्च कितना है टोटल मिलाकर खर्च कितना है पूरे साल भर का कैपिटल चार्ज को भी जोड़ लीजिए और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को भी जोड़ दीजिए अब बताइए टोटल मिलाकर खर्च कितना टू सेवन फाइव जीरो वन सिक्स प्लस नाइन लैख सिक्सटी था सर ये आ गए वन टू ट्री फाइव जीरो वन सिक्स हाँ सही है मानसी और फाइव थ्री सिक्स एट थ्री थ्री प्लस ट्वेल्व लैख तो ये आ गया सर वन सेवन थ्री सिक्स एट थ्री ये आ गया टोटल कॉस्ट पर एन एम आया टोटल कॉस्ट ठीक और सर डिवाइड किससे करना पर यूनिट निकालना है तो यहां क्या करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स सर आपने गलत ऐड किया है कौन सा वाला गलत ऐड किया वन सेवन वन ये वाला गलत मैंने ऐड किया ओके okay. हां मैं रुक रहा हूँ रुक रहा हूं मुझसे गलती हुई फाइव वन थ्री फोर जीरो एट फाइव वन थ्री फोर जीरो एट और ये तो बारह लाख है ना यार हाँ सर ये है बारह लाख अभी ठीक है हाँ मैंने ठीक कर लिया है फाइव वन थ्री फोर जीरो एट और ये तो बारह लाख है पक्का वन सेवन वन थ्री फोर जीरो एट वन सेवन वन थ्री फोर अभी ठीक है ओके okay. सर ठीक तो अब मेरे कॉस्ट के बच्चों जिनका कॉस्ट में एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं कॉस्टिंग अच्छा है ना आपका तो बस मुझे इतना बता दो यहाँ आउटपुट पर यूनिट दिया है 200 पर मिनट पर मिनट आउटपुट हाँ आप ही टीचर हो बस मेरी गलतियां निकालते जाओ अभी यहां सुन लो ना यार आउटपुट पर मिनट दिया है 200 200 200 यूनिट्स और एक घंटे में कितना टोटल मिलाकर एक साल में 2500 सौ आर्स चलती है मशीन एक साल में 2500 सौ सा। एक साल में 2500 सा और यह है 200 बताओ नंबर ऑफ यूनिट बताइए नंबर ऑफ यूनिट्स जल्दी से एक मिनट में 200 यूनिट्स और पूरे साल भर में पच्चीस सौ आवर्स नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए हाँ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू सिक्सटी सिक्सटी मतलब सिक्सटी मिनट बिल्कुल सही है यार एक्सपर्ट है बेकार में कॉस्ट सब्जेक्ट हट गए एक्चुअली तो ठीक है सर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड इंटू सिक्सटी करोड़ दूसरे वाला देख लें फोर हंड्रेड इंटू सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वोला और कॉस्ट पर यूनिट निकल

ठीक है सर कौन सा वाला अच्छा है ये की है सर मशीन भी इस पर हो गया एक्सपेक्टेड मार्स एक मात्रा है आठ नंबर का क्वेश्चन आया एट मार्क्स ये क्वेश्चन आना चाहिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है इसलिए बार बार आया इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया अच्छा क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रटने वाली बात है लॉजिकल चीज पूछ रहा है एक नई चीज है ये क्वेश्चन वाकई हलवा है लेकिन एक बार किया है तो अगर नहीं किया है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा बनाते समय अगर किया है तो दिक्कत नहीं होगी चलो आज का जो टारगेट है अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है बीच में डिस्टरबेंस हुआ था आप लोगों की वजह से तो आप लोगों को ही पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तो सर अभी क्या करेंगे हम और एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और तैयार हो जाओ सेकंड क्वेश्चन जोरदार है मज़ा तो सेकंड में ही आएगा और सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हाँ जी मानसी लगता जरूर है कि यार आठ नंबर का क्या क्वेश्चन आया सर नाइन थर्टी तक चलाते हैं क्या देखते हैं नाइन थर्टी तक अभी तो हमारा टारगेट जो है टारगेट पूरा होना चाहिए हाँ नौ साढ़े नौ बजे तक देखते हैं भाई मैं भी थक जाता हूँ तो अब देखते हैं कि एक्चुअली मेरी और भी क्लासेस चल रही है ना अभी ये दो चार दिनों तक का ही दिक्कत है उसके बाद तो मैं फ्री हूँ फिर तो मैं आपकी जान ले लूंगा चलो जी अंश आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे हम सेकंड में बस पहुंच रहे पहुंच रहे चलो पढ़ते 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 सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक बार पढ़ते हैं फिर काम करें लिखा हुआ एक्स वाई जेड लिमिटेड मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड बिल्कुल चंद्रकांत एक्स वाई जेड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलो पढ़े तुभ हाँ एक काम करते हैं सुनना ध्यान से सुनोगे ध्यान से मेरी बात इस क्वेश्चन को ना एक बार थोड़ा सा लिखते हुए करेंगे अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन को बनाने में दस मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा दस मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इतना सिंपल क्वेश्चन है पढ़ने में टाइम लगता है एक्स वाईज लिमिटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्रपोजल बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ 35 किलोमीटर ऑफ रोड एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 200 करोड़ प्रोजेक्ट दो सौ करोड़ लगने वाला प्रोजेक्ट में दो सौ करोड़ रुपए लगने वाला है अब मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ठीक है सर अब सर दो सौ करोड़ रुपया आएगा कहां से ये बताइए तो बोल रहे दो सौ करोड़ रुपए का अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि कुछ पैसा इक्विटी से अरेंज हो रहा है और इक्विटी से कितना अरेंज हो रहा है सर फिफ्टी करोड़ और सर काम किस चीज का कर रहा है चल रहा है मतलब क्या प्रोजेक्ट करने वाले हम रोड बनाने वाले अच्छा ये बात है हाँ पचास करोड़ और बोले बचा हुआ पैसा तो बोले बचा हुआ पैसे का आप लोन ले लीजिए लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है लोन का बोले फिफ्टीन परसेंट पर है ना ठीक है जी और ये टोटल लोन के थ्रू कितना हो जाएगा एक सौ पचास करोड़ इक्विटी से पचास करोड़ और डेट से हाँ डेट भी बोल सकते हो बात सही है डेट से कितना जाएगा वन फिफ्टी करो सही है आज का टारगेट क्या रहेगा आज का टारगेट यह रहेगा इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेते सर वजह क्या यह क्वेश्चन करवाने की क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते समझ के कर लेते हैं सर देखा देखा लग रहा है हां सी एंटर में है अब आगे चलते द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन बोले रोड बनाएंगे सर ठीक है रोड बन जाएगी और बोले जैसे ही हमने रोड बनाया प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ बोले हम ट्रैफिक के लिए ओपन कर देंगे और जो रोड बनाते हैं कॉन्ट्रेक्टर उनको पैसा कहाँ से मिलेगा बोले टोल हम टोल ओपन कर देंगे और टोल कलेक्ट करेंगे और कितने साल तक कलेक्ट करेंगे बोले पंद्रह साल तक कलेक्ट करेंगे मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ है पंद्रह साल फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम द व्हीकल यूजिंग द रोड द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर टू मेंटेन द रोड और रोड भी हम को मैंटेन करना है डूरिंग द अबो फिफ्टीन ईयर्स मेंटेन भी हमें करना है देखते टोल से कितना पैसा आएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड इट विल बी हैंडेड ओवर टू द हाईवे अथॉरिटी एट जीरो वैल्यू यहां तक बात समझ यहां तक ये बात समझ में आई कि फिर पंद्रह साल तक हम पैसा कलेक्ट करेंगे टोल का मेंटेनेंस भी करेंगे रोड का और उसके बाद पंद्रह साल बाद हम कहेंगे हाईवे अथॉरिटी से ये रख लीजिए अपनी रोड हमें मतलब इट इज एस्टिमेटेड दैट टोल रेवेन्यू विल बी फिफ्टी करोड़ पर एन बता दिए अनुमान है रेवेन्यू आएगा फिफ्टी करोड़ सर ये क्वेश्चन आईसी का है कि हां जी मैं कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं करवा रहा हूँ पचास करोड़ आएगा एंड द एनुअल टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस खर्च भी तो है और खर्च कितना है फाइव परसेंट एक्सपेंसेस बताइए कितना है परसेंटेज में दिया फाइव परसेंट एक्सपेंसिस रुपीज में बताइए कितना रुपीज जल्दी से रेवेन्यू है फिफ्टी करोड़ तो एक्सपेंसेस कितना है फाइव परसेंट मुझे रुपीज में चाहिए एक्सपेंस फाइव परसेंट अंश का आंसर है दस करोड़ लक्ष्य का भी है दस करोड़ मुझसे इस क्वेश्चन में जब ये हमारे समय का से क्वेश्चन है उस एक गलती क्या हो गई थी मालूम है गलती ये हो गई थी कि मैंने 50 करोड़ का 5 परसेंट ले लिया था जल्दबाजी जबकि 5 परसेंट किसका लेना है प्रोजेक्ट कॉस्ट का रुपीस टेंड करो ठीक है जी the company considered to write off the total cost सब write off का मतलब क्या होता है राइट right ऑफ का मतलब होता है डेप्रेशिएशन जो डेप्रेशिएशन लगाना है फिफ्टीन इयर्स तक वो कौन सी मेथड से लगाना है स्ट्रेट लाइन में से एसएलएम मेथड से डेप्रेशिएशन लगाना है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्पस कंपनी इज अलाउड टू टेक डेप्रिशिएशन टेन परसेंट ऑन डब्ल्यू डीवी बेसिस सोच समझ के बताना कि डेप्रिशिएशन हमें एस एल एम से लेना है कि डब्ल्यू डीवी से लेना है डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मैथड से लेना चाहिए या फिर डब्ल्यू डी वी मैथड से ले का कहना है डब्ल्यू डीवी रोहन डब्ल्यू एस एल एम डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक चंद्रकांत का कहना एस एल एम अगर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एस एल एम मेथड से नहीं लूंगा क्योंकि हम डेप्रेशिएशन लगाते ही क्यों है पहले ये बताओ हमें हमें कैपिटल बस्टिंग में डेप्रेशिएशन की जरूरत पड़ती क्यों है सर दोनों का डिफरेंस नहीं बस हाँ सर डेप्रिशिएशन की जरूरत पड़ती है टैक्स के लिए यस टैक्स सेविंग्स के लिए बिल्कुल सही और अगर टैक्स सेविंग्स की बात है अगर टैक्स सेविंग्स की बात है तो फिर हमें डब्ल्यू मेथड से ही डेप्रिशिएशन लेना चाहिए सीएफएटी निकालने के लिए और सीएफएटी की मतलब टैक्स के पर्पज से ना यार सौरभ तो बस मैं कह रहा हूं कि हाँ जी टैक्स सेविंग्स के तो अगर मैं कहता हूं दोनों में फाइट हो रही है तो मुझे जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए डब्ल्यू डी बी मैथड टैक्स सेविंग्स क्योंकि यार टैक्स के हिसाब से तो डब्ल्यू डी बी मेथड है ना द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री रिपेमेंट हो रहा है लोन का और कितने इंस्टॉलमेंट में पंद्रह इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको रिपेमेंट करना है ठीक है कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इस मैटर पे मैं बात करूंगा कैलकुलेट आईआरआर निकालना सर एक बोला है प्रोजेक्ट आई आर आर और एक बोल रहा है इक्विटी आई आर आर और हद तो तब कर दिया यहां लिखा इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्स इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या कहना चाहता है बोले जब टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिशिएशन की क्या जरूरत इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्स बोला है जब टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिशिएशन का क्या करोगे भाई ICAI पागल बना रहा था आपको कि बोला सोच लो खूब लड़ो यहां बाद में हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं लड़ाई खत्म कर दिया बोले ठीक है इग्नोर टैक्स और एक्सप्लेन द डिफरेंस हमें इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट आई निकालना और इक्विटी आई दैट्स इट तो सबसे पहले क्या किया जाए सबसे पहले सी एफ ए निकाला जाए ठीक है अब देखो अब हम कैसे कर रहे हैं आई निकालना क्या हमको आता है यस yes. हाँ जी आई आर आर निकालना हमको आता है क्या हाँ सर आता है आई आर आर निकालना तो आई आर आर निकालते प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना सर टू हंड्रेड करोड़ लग रहा है ठीक है और कितना आएगा वो निकाल लेते हैं ना यार चलो काम करें कैलकुलेशन ऑफ सीफेट सर अंतर क्या है प्रोजेक्ट आई आर आर और इक्विटी आई वही तो समझाना है इसलिए तो ये क्वेश्चन उठाया है क्या अंतर है कैसे करना है वही चीजें समझाना बोलो रेवेन्यू हर साल कितना है सर तो लिखा था रेवेन्यू आएगा फिफ्टी करोड़ एक्सपेंसेस कितना है टेन करोड़ ठीक है निश्चित तो बताओ सी फैट कितना आ गया फोर्टी करोड़ दैट्स इट कुछ था ही नहीं टैक्स है नहीं है डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं होगी और सर डेप्रिसिएशन होता तो तो खेल खत्म हो गया था डेप्रिसिएशन की बात नहीं होगी हर साल मेरे पास फिफ्टी करोड़ आएगा और उसमें से दस करोड़ खर्च हो जाएगा तो नेट मेरे पास फोर्टी करोड़ से बचेगा और प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 200 करोड़ प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो 200 करोड़ है। तो क्या आईआरआर निकाला जा सकता है? हाँ सर सिंपल से क्वेश्चन है यार। अक्षय का कहना सर अगर टैक्स इग्नोर नहीं करता तो तो भाई तीन घंटे लगते क्वेश्चन बनाने में अगर टैक्स इग्नोर नहीं होता तो फिर ये फिफ्टी 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 कितने साल तक जाता क्योंकि डेप्रिशन डब्ल्यू डी भी मैथड से है तो फिर हर साल का सी एफ ए टी अलग अलग आता फिर खत्म हो जाता ठीक है बहुत कुछ हो जाता फिर अभी हम सिंपल सी बात है मैं आई आर आर आपसे चाहता हूँ आई आर आर क्या होता था ये आपको अच्छे से पता है आई आर आर एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिसपे पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसी होता है एनपी जीरो होता है चलो कोशिश करते एक ऐसा रेट लेते हैं जिससे एनपीवी जीरो आ जाए और अभी मैं करवा रहा हूं आई आर आर सर आई आर आर कौन सा वाला आई आर आर कर रहा मैं करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट आई आर आर तो सर प्रोजेक्ट आई आर आर और इक्विटी आई आर आर में अंतर क्या है वही तो मैं करवाने वाला हूँ बस डर्टी पावर से अंश नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डर्टी पावर से नहीं हो सकता वो क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताऊंगा डर्टी पावर से पॉसिबल नहीं है डर्टी पावर से तो तब होता जब लास्ट का हमको पता रहता कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइए हाँ इंटरपोलेशन से ही करेंगे अंस डर्टी पावर कब यूज करते हैं याद करो शायद मैंने आई करवाया था इसमें डर्टी पावर यूज हो ही नहीं सकता एक्चुअली खैर मैं बताऊंगा मुझे कॉल करना पक्का मैं बताऊंगा तो सर

पहले किस रेट से स्टार्ट करें बता सकते हो टेन परसेंट से ही करते यार फोर्टी करोड़ वन डिवाइंट वन पॉइंट वन जीरो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ सेवन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स माइनस सर एन पी वी तो पॉजिटिव आ रहा है और जबरदस्त पॉजिटिव आ रहा टेन परसेंट से बात नहीं बनेगी फिफ्टीन परसेंट ले लें क्या है इन अभी भी पॉजिटिव है थर्टी थ्री पॉइंट एट एट अभी भी पॉजिटिव है तो बीस से एक बार मैं देख लू कि बीस से आ जाएगा मुझे उम्मीद है कि बीस से आ जाएगा वन पॉइंट टू जीरो एक दो तीन चार पाँच फोर पॉइंट सेवन नेगेटिव आ गया थर्टी 33.88 और दूसरा वाला अच्छा 18 पे कर लिया क्या मैंने तो 15 और 20 पे किया इंटरपोलेशन कर लेते फिफ्टीन पे आ रहा है थर्टी एटी परसेंट थर्टीन माइनस थर्टीन सुबह बिल्कुल सही है और हमें एनपीवी क्या चाहिए जीरो डिफरेंस आ गया थर्टी एट जैसे यहाँ पाँच परसेंट से आते हैं तो डिफरेंस जो है वो थर्टी थ्री थर्टी थ्री एट प्लस फिफ्ट डि थर्टी

चंद्रकांत का कहना प्रेजेंट फैक्टर के लिए M का तो हम यूज करते नहीं हम तो जीटी का यूज करते हैं तो तो नहीं, हम जीटी का यूज करोगे जीटी से हो जाएगा हाँ जी हो गया है कि एक बार प्रोजेक्ट आई और इक्विटी आई आर सर प्रोजेक्ट आई आ गया एटीन पॉइंट सिक्स वन परसेंट बस इसी क्वेश्चन को कर पाएंगे आज और क्वेश्चन नहीं हो पाएगी एक बार कंफर्म कर दीजिए ये हो चुका है तो हम आगे बढ़े ठीक है हो गया है बस खत्म करते हैं क्लास को बस अब मेरी बात सुनना पड़ेगा अब ध्यान से सुनना पड़ेगा नाइन तो थर्टी तक करते हैं आज नहीं हो पाएगा नाइन थर्टी तक मैं ऑलरेडी अभी क्लासेज जैसे ही फ्री हुआ आपकी क्लास लेने आया एक मैंने कहा ना पोर्टफोलियो से तो आराम से हो पर पहले इस क्वेश्चन को अभी बनाने में टाइम लगेगा बनाने में टाइम लगेगा अब ध्यान से सुनना मेरी बात अब ध्यान से सुनना हाँ सर अब हम तैयार हैं सुनोगे बच्चों सुनोगे जब था यार पचास करोड़ ये आएगा भाई एग्जाम में एक, सुनना है ध्यान से कि यार डिफरेंस क्या है अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ संडे को जो मीटिंग होगी पचास करोड़ रुपया कमा रहे थे ठीक है उसमें से दस करोड़ रुपए हमने खर्च किए ये भी ठीक है तो सर बचा कितना सर बचा है चालीस करोड़ ये जो चालीस करोड़ रुपया बचा है ये जो चालीस करोड़ रुपये बचा है ये चालीस करोड़ किसके लिए कमा रहे हैं सर हम इक्विटी और डेट दोनों के लिए कमा रहे हैं बिल्कुल सही इक्विटी का कितना लगा है फिफ्टी और डेट का कितना लगा है वन फिफ्टी ये दोनों के लिए कमाया जा रहा है एक शब्द सुना होगा और एक शब्द सुना होगा जिसका नाम था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाँ सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक शब्द सुना होगा आपने रिटर्न ऑन इक्विटी यस दोनों शब्दों को मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट किया चाहे पैसा किसी से भी क्यों ना उठाया सी एंटर याद करना हाँ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड बोल सकते हो बिल्कुल सौरभ आप वो भी बोलोगे चल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड वही तो है प्रोजेक्ट आई प्रोजेक्ट कुछ नहीं है प्रोजेक्ट आईआरआर का मतलब है कि आपने कितना कमाया किस पे चालीस करोड़ किस किस के लिए कमाया सर डेट और इक्विटी दोनों के लिए हमने चालीस करोड़ रुपए कमाया उस पे कमाया हमने और सर इक्विटी आई ये क्या है यह प्रोजेक्ट आई और एक शब्द है रिटर्न ऑन इक्विटी ये मत का मतलब होता है इक्विटी आई तो उसमें हमें ये चालीस करोड़ नहीं लेना चालीस करोड़ में से मुझे जो डेट का पेमेंट कर रहा है वो भी माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद जो कैश फ्लो आएगा उसके बेसिस पे फिर आयर निकालना पड़ेगा जिसका नाम है इक्विटी आयर बस और कुछ नहीं है कि आप कहोगे कि सर कुछ स्पेशल है कुछ स्पेशल नहीं है बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से ये चालीस करोड़ किसके लिए कमा रहा है दोनों के लिए इसमें से अगर हम डेट को जो देना है वो पूरा की पूरा माइनस कर दे और उसके बाद जो बचेगा वो तो इक्विटी के लिए बचा ना तो फिर निकालते इक्विटी आई रहा दैट्स इट सर मतलब बात सिंपल सी हुई है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेट का इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करना है मैं कह रहा हूं कि हर साल डेट वाले को कितना माइनस करना बस इतना बता दो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों माइनस करना एक बात बताओ चलो क्वेश्चन पे आते हैं समझने की कोशिश करते हैं कितने के सर टोटल डेट थे हमारे वन फिफ्टी सी आर ठीक है सर और इसमें से हमने और इंटरेस्ट का रेट कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट था इंटरेस्ट था इंटरेस्ट का रेट कितना था कहीं था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट और मुझे पंद्रह इंस्टॉलमेंट में वापस करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पंद्रह परसेंट था शायद फिफ्टीन और मुझे फिफ्टीन इंस्टॉलमेंट में वापस करना है बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सीए लोग हो तो यार गलती तो हो नहीं सकती सब सीए है सीए मान के चल रहा हूँ आप लोग सीए हो ऑफिस भी जाते हो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताना इसको छोड़ो ना यार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर चाहिए आप लोगों से प्लीज आगे क्लास करना है नहीं करना वो बात की बात है कि इसके बाद सर अभी हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लगभग हो गया लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर देना और सी साहब मैं आपके पास आया आप सुनो सी साहब मेरी बात समझना अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ मैं ना बैंक से लोन लेने गया और सर लोन कितने रुपए का है नाइन्टी थाउजेंड का एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ नब्बे हजार रुपए का बैंक से कहा लोन चाहिए ठीक है बैंक ने कहा कि यार हम आपसे दस परसेंट पर एनम लेंगे कहा ठीक है दस परसेंट ब्याज कोई दिक्कत नहीं और बोले वापस कैसे करोगे तो बोले वापस आपको तीन इंस्टॉलमेंट में करना है और इसी में इंटरेस्ट भी रहना चाहिए तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल तो सीए आप बताओ कि तीन इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तीन इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की एक एक किस्त बनेगी और ये तो करते ही है यार हम तो कितना होम लोन करते कितना व्हीकल लोन करते इक्वल इंस्टॉलमेंट आती ई एम आई बोलते ई एम आई हमें मंथली नहीं करना हमें ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालना है एक एक किस्त एक एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की कि आएगी थर्टी थ्री थाउजेंड की नहीं आएगी मैं कह रहा हूं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अच्छा थर्टी थ्री थाउजेंड की पक्का ये भगवान निकाला कैसे आपने थर्टी थ्री थाउजेंड बस इतना बता दो अमित का कहना थर्टी टू पॉइंट फाइव बाकी बहुत सारे बच्चे का आ गया थर्टी थ्री थाउजेंड मतलब सर मतलब ये है कि अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा अनंत का कहना है कि थर्टी नाइन थाउजेंड आएगा सर अनंत का सुनो क्या कहना अनंत का कहना सर पहले जो है नाइन्टी थाउजेंड का दस परसेंट इंटरेस्ट लगेगा नाइन्टी थाउजेंड का टेन परसेंट ये क्वेश्चन को छोड़ो क्वेश्चन पे तो हम बाद में जाएंगे ये काम तो आपके पूरे एस में काम आने वाला आने वाले चैप्टर्स के लिए तैयार हो जाइए इंस्टॉलमेंट कितने की है अनंत ठीक है मैं मानता हूं आपकी बात पहले साल आएगा थर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है अगले साल नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे टू फोर सेवन नाइन थ्री नहीं किशन नहीं मैं इक्वल चाह रहा हूँ मैं थर्टी नाइन थर्टी सिक्स हम यार ए, होम लोन लेते तो क्या हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट देते हैं नहीं सर हम एक साथ इंस्टॉलमेंट देते हैं और सौरभ ने कहा कि सर थर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री सिक्स वन नाइन जीरो थ्री सिक्स वन नाइन जीरो हाँ कैसे निकालते हैं यार निकालना आपको आता है नाइन्टी थाउजेंड पहला इंस्टॉलमेंट एक्स दूसरा इंस्टॉलमेंट एक्स और तीसरा इंस्टॉलमेंट एक्स हाँ और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे पॉइंट नाइन जीरो नाइन इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे एट टू सिक्स पॉइंट सेवन ऐसा ही तो करते हैं यार भूल गए क्या आप जाना आप गाड़ी घर फाइनेंस करवाने जाओ ना वहां आपको बता देंगे कि यार वो ऐसे ही तो करते हैं हाँ इट मीन्स कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता हूँ कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे निकलता है जो भी लोन अमाउंट है उसको डिवाइड किससे करते हैं पीवीएफ से डिवाइड करते हैं अमाउंट को हम पीवीएफ से डिवाइड करते हैं अक्षय आपका आंसर आ रहा थ्री नाइन एट टू थ्री एक आंसर आ रहा टू टू फाइव थ्री नाइन बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालतेमेंट वही तो है जो आप बोलते एनुअल चार्ज यही तो है एनुअल चार्ज हाँ 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 ठीक है अब सही है सर अब सही है तो सर ये फॉर्मूला लिख ले कि कहीं लिख लो भाई काम आ सकता है कहीं ये फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं सात साथ लिखवाते हुए चलता हूं सात साथ लिखवाते हुए विथ फैक्टरिंग फैक्टरिंग की बात कर Equity here. including interest. हाँ इक्वलाइज एनुअल कैश फ्लो करना है वही तो होता है रोवन वैसे ही इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाला जाता इस क्वेश्चन में कितने रुपए का डेट था इस क्वेश्चन की बात करो सर एक सौ पचास करोड़ का डेट था डिवाइडेड बाय एक सौ पचास करोड़ का डेट था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था पंद्रह परसेंट तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा पी वी एफ फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन ईयर्स तो वन फिफ्टी सी ईयर डिवाइडेड फाइव पॉइंट एट फोर सेवन फाइव पॉइंट एट फोर सेवन तो सर हमें डेट का हर साल रिपे करना है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव फोर अब हम निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फॉर इक्विटी हमारा सी एफ ए टी आ गया था दोनों के लिए कितना आया था चालीस करोड़ हर साल का माइनस रीपेमेंट ऑफ डेट डेट का रीपेमेंट हो रहा था हर साल होगा ये ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सर यहाँ प्रिंसिपल भी माइनस कर रहे इंटरेस्ट भी माइनस कर रहे तो फिर टैक्स का क्या टैक्स नहीं है इसलिए ये काम हो गया टैक्स होता तो होता तो मैंने कहा ना होता तो वाली बात मत करो होता तो बहुत कुछ हो जाता ठीक है तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव ठीक है निशीता फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव ये कैश फ्लो किसके लिए आया सर ये कैश फ्लो फॉर तो सर इक्विटी वाले जो कमाएंगे ना हर साल वो फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ कमाएंगे हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं यार आपको सीखने के लिए चीजें और ये इस क्वेश्चन का यूज आगे मेरे एसएफएम में होने वाला है इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं सेलेक्ट कर लिया मैंने कि जो होना है वो हो जाए ये ये पार्ट काम आने वाला है आपका ये वाला पार्ट तो काम आने वाला एक टॉपिक आएगा बिजनेस वैल्यूएशन उसमें काम करेंगे अब जल्दी जल्दी से काम करके काम खत्म करें यस सर क्लास ओवर करेंगे जल्दी से तो भाई चलो आई आर आर क्या होता है हमको तो मालूम है यस तो आई आर आर क्या होता है यार हमारे पास हर साल पैसा आएगा कितना फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव हमारा लगा कितना है पैसा हमारा कितना पैसा लगा है एक्चुअल में आएगा फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव हमारा एक्चुअल में कितना लगा है हमारा एक्चुअल में पचास करोड़ लगा है इक्विटी का इक्विटी के लिए कर रहे ना तो इक्विटी का कितना लगा पचास करोड़ बिल्कुल सही है सबका आंसर सही है निशांत अनंत सही है तो चलो काम करते हैं कैश फ्लोस पर है ना फोर्टीन पॉइंट थ्री फोर फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव सीआर कैश आउटफ्लो इस फिफ्टी करो आई आर आर रेट एट विच पीवीसीआई इज इक्वल टू पीवीसीओ बोल दो या एनपीवी इज इक्वल टू जीरो बोल दो निशांत का कहना है सर ये तो पच्चीस परसेंट से ऊपर निकल गया वाह कर लिए हो क्या ठीक है तो पहले में डिस्काउंटिंग रेट पच्चीस परसेंट एनपीवी एन निकालो क्या हाँ सर एनपीवी निकाल इक्विटी के लिए एनपीन पॉइंट ओके गुड नाइट रोहन कोई बात नहीं वन डिवाइड हम भी जाने ही वाले हमारा भी गुड नाइट हम भी जा ही रहे चार पाँच छीट एट फाइव नाइन फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इन थ्री पॉइंट एट फाइव नाइन माइनस फिफ्टी तो सर ये तो आ गया फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन ठीक है डिस्काउंटिंग रेट इससे बड़ा वाला लेंगे मतलब डिस्काउंटिंग रेट थर्टी परसेंट ले लेंगे कुछ बच्चों का कहना कि सर टेन परसेंट से ट्रायल क्यों नहीं मारे भाई आप लोग मार चुके हो ना टेन से मार लिया होगा फिफ्टीन से ट्वेंटी से आप भी जानते हो आपने भी ट्रायल मार लिया पॉइंट टू सिक्स एट फोर्टीन पॉइंट थ्री फाइव इंटू थ्री पॉइंट टू सिक्स एट माइनस फिफ्टी नेगेटिव आ गया ट्री पॉइंट वन जीरो फोर तो सर ट्वेंटी फाइव पर आया है फाइव पॉइंट सेवन सेवन और थर्टी परसेंट पे आया है माइनस पॉइंट वन फोर और हमें एन पी वी चाहिए जिसको जैसे ही हम पाँच परसेंट बढ़ाते हैं चेंज हो जाता है फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन प्लस थ्री पॉइंट वन जीरो फोर तो सर ये आ जाता है एट पॉइंट फोर एट वन और हमें चाहिए फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एट पॉइंट फोर एट फाइव पॉइंट फाइनल आंसर निकल ले गया होगा ये आ रहा है ट्वेंटी एट पॉइंट वन That's it. ठीक है सर थक गया सर हम लोग भी मैं भी थक गया हूँ अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ इसका मेरे पास शॉर्टकट है अभी आज नहीं बताऊंगा सर डर्टी पावर डर्टी पावर से अंश मुझे कॉल करना मैं आपको बताऊँगा रोहन आप कैसे रुक गए आफ्टर रिटर्न इन लोन हाउ टू फाइंड आउट वेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होता है कि पहले साल का कुछ फिर उस हिसाब से एक चैप्टर था आपके लीजिंग करके और लीजिंग में आपको ये चीजें सिखाया जाता क्योंकि लीजिंग आपको है नहीं है तो रोहन मैं आपको अभी वो चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता पर उसका भी मेथड है उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि कैसे ई निकलता है हाँ इसका एक शॉर्टकट है वो मुझे मालूम है और आपको भी पता है मैं आपको याद दिलाऊंगा कि क्या था शॉर्टकट लेकिन सर आज याद दिलाऊंगे कि आज याद नहीं दिला पाऊंगा आज के लिए बस एक बात में बस आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस वो चीज़ समझ लो इस क्वेश्चन के थ्रू में आपको क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा एग्ज़ाम में तो आया हुआ है ऐसा नहीं है कि आया ना। आया नहीं है और कितना समय लगेगा मुकुंद मुकुंद क्लास ओवर हो चुकी है आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस मैं आपसे बस क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना एक तो यार हम लोगों को ये जो है ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं ये सीखने को मिला दूसरा थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट आईआरआर एक्चुअल में क्या होता है और इक्विटी आईआरआर क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट आई आर और इक्विटी आई आर आपने सी ए इंटर में और भी पढ़ा होगा मॉडिफाइड आई आर आर मल्टीपल आई आर आर ये सब चीज़ें काम आती है यार आपको काम आएगी ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मॉडिफाइड आई आर आर आएगा नहीं आएगा अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं तब समझ पाएंगे आज के लिए क्वेश्चन खत्म हो गए क्लास ओवर कर रहा है गुड नाइट कल ठीक सात बजे क्लास स्टार्ट होगी और ढंग से करेंगे मतलब कल मैं कोशिश करूंगा डिस्टर्ब ना हो बीच में कल इसका शॉर्टकट समझाऊंगा शॉर्टकट कैसे काम होगा ठीक है थैंक यू सो मच गुड नाइट साथ देने के लिए आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था क्लास में एक्चुअली गुड नाइट बिट्टे।